वो हैं जिनकी आवाज कानों में है घुलती, आवर फेवरेट एंड वेरी वर्सेटाइल तुलसी. सो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन. द सॉन्ग इज हिटिंग द एयरवेव्स फॉर श्योर और जो वीडियो है बहुत ही कमाल का निकल कर आया है. हम काफी इंतजार कर रहे थे. यू नो इन माय शो लिसनर्स आर कॉलिंग मी एंड सेइंग कि यार गाना चला दो, गाना चला दो, नाम ही सुनना है. मैं कहती हूँ अभी चलाया है, दे लाइक वापस चला दो. वाओ, इट्स अमेजिंग टू हियर सच फीडबैक यू नो फ्रॉम रेडियो, स्पेशली फ्रॉम माय एफएम. क्योंकि आई नो माय एफएम गोज इन अ लॉट ऑफ सिटीज, इन 30 सिटीज. इट्स रियली गुड एंड नाम को वैसे भी बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं आप सब लोग, जितने भी लिसनर्स अभी हमें सुन रहे हैं. थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव टू दिस न्यू सॉन्ग ऑफ माइन नाउ. जी एंड इफ आई आस्क यू कि ये जो गाना 9 महीने की प्रिपरेशन से फाइनली बाहर आया है, मतलब इज इट लाइक अ बेबी फॉर यू? 9 महीने, ऑलमोस्ट अ ईयर एक्चुअली. द थिंग इज कि ये सॉन्ग इन द मेकिंग था और यू नो काफी बीच में बिकॉज मिलन गॉट बिजी, आई गॉट बिजी विद आवर गिग्स एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा थोड़ा आगे होता गया. एंड आई वाज वेरी पर्सनली इन्वॉल्वड इन द मेकिंग ऑफ दिस सॉन्ग राइट फ्रॉम द स्टार्ट. सो निर्माण जो कि कंपोजर है ये सॉन्ग के, वो मेरे पास लास्ट ईयर एक्चुअली जनवरी में इसका स्क्रैच लेके आए थे. तो वहां से शुरुआत होते होते फिर मिलन से मिले, फिर जानी केम ऑन बोर्ड फॉर द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग. तो करते करते प्रोसेस बिल्डअप होता रहा एंड फाइनली हमने वीडियो शूट किया है जस्ट 10 days बिफोर द लॉकडाउन. तो मार्च में, अभी इसी साल मार्च में हमने इसका वीडियो शूट किया. एंड देन वी वर थिंकिंग कि लॉकडाउन रिलीज हो जाएगा, जब पूरा खत्म हो जाएगा तब इसको ट्रैक को लेके आएंगे. बट लुकिंग एट द सिचुएशन यू नो वी फेल्ट दैट गुड म्यूजिक इज समथिंग जो इज इट्स द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ. यू नो क्योंकि सब लोग अपने घरों में हैं एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू. ऑल वी कैन डू एज म्यूजिशियंस इज अच्छे म्यूजिक से उन्हें एंटरटेन रख सकते हैं. सो देन वी डिसाइडेड के कोई बात नहीं, लॉकडाउन है फिर भी हम लोग इसको रिलीज करते हैं. So every part of this song, from the lyrics to the composition to the music and your voice and Milin's voice, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें एक चीज बहुत और स्पेशल नजर आई जो कि आपका डांस था उस वीडियो में. सो ये एलिमेंट अचानक से कैसे आया, मतलब ये बहुत ही नया था हमारे लिए. एक्चुअली सबको लग रहा है अचानक से आया, बट मैं कभी फोरफ्रंट में आई ही नहीं. मैंने कभी फुल फ्लेजिडली अपने म्यूजिक वीडियोज में कभी फीचर किया ही नहीं. मैं सिर्फ एक सिंगर की तरह आके अपने लाइंस गाके निकल जाती थी. बट आई थिंक नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने इनकरेज किया. और डांस इज समथिंग जो मैं बचपन से करती हूँ. मैंने कभी प्रोफेशनली सीखा नहीं है, जैसे कि संगीत तो मैंने सीखा है, म्यूजिक बचपन से सीखा है, बट डांस मैं बचपन से ही आई यूज टू बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट. तो मैं 2-3 दिन रिहर्स करके कर लेती हूँ. तो अगर आप यूट्यूब भी देखेंगे, मैंने अपने बहुत सारे फिल्म के सॉन्ग्स पे डांस कवर्स हमने एक बहुत लंबा चंक शूट किया था जिसके लिए हमने काफी रिहर्स किया था. बट वो स्टोरी पूरी दिखाने के लिए थोड़ा सा पार्ट रखा गया. बट मेरे सोशल मीडिया पे मेरा पूरा डांस चंक है अलोंग विद मिलन. सो देखा, मैंने देखा, मैंने उसके कुछ बूमरैंग या कुछ शॉर्ट वर्जन भी आपने कट करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हैं. आई हैव सीन दैट. या इट्स ऑल अमेजिंग. और पूरी जो जर्नी थी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस कि आप, वैसे आपने पंजाबी गाने गाए हैं बट ये पूरी तरह से पंजाबी लिरिक्स है, जानी ने लिखा है, तो ये गाने का आपके लिए एक्सेंट कैच करने का कुछ अलग रहा एक्सपीरियंस? एक्चुअली ये पंजाबी हिंदी है, टोटली ठेठ पंजाबी ये वाला भी नहीं है. मतलब बहुत ही एक अंडरस्टैंडेबल हिंदी पंजाबी इजिली. और मेरे लिए ये फर्स्ट कोलैबोरेशन है विद द फुल पंजाब टीम, वेदर इट्स जानी, मिलन, निर्माण एंड जो डायरेक्टर है हमारे अरविंदर खेरा जी. तो सबके साथ मेरा फर्स्ट टाइम है और बहुत मजा आया. मैं खुद पंजाबी हूँ, मुझे पंजाबी पूरी समझ में आती है. मैं बोलती भी आप थोड़ी थोड़ी, पर ज्यादा मेरा डिक्शन बहुत ज्यादा हिंदी में बहुत अच्छा है. बट पंजाबी में मैंने जानी भाई से फोन पे काफी वर्ड्स जो मुझे लग रहा था, वैसे तो इतने ऐसे कोई वर्ड्स है नहीं इस गाने में, बट पूरी डिक्शन मैंने जानी भाई से पूरी एक बारी समझ ली थी. उन्होंने भी मुझे गा के भेजा था, तो वो वैसे वे में हो गया.
सो जैसे गाने के लिरिक्स हैं वो जो जिस तरह से गाना हम सुनते हैं तो एक स्टोरी हमें दिमाग में क्रिएट करता है. मेरे साथ ये हुआ कि मैंने पहले गाना सुना उसके बाद बिकॉज मैं अपने शो में गाना जैसे ब्रेक हुआ मैंने सुना एंड देन मैं क्यूरियस तो थी ही वीडियो के लिए तो देन मैंने वीडियो देखा. सो इट वॉज लाइक कि जो चीजें मैं इमेजिन कर रही थी गाना सुन के इट्स देयर इन द वीडियो. सो इट्स ब्यूटिफुली डन ट्रस्ट मी. और बहुत ही अभी आई थिंक बहुत व्यूज भी कलेक्ट कर रहा है. इट्स ऑलमोस्ट 40 लाख प्लस 40 मिलियन प्लस. 40 मिलियन व्यूज. जस्ट हिट 40 मिलियन. तो और प्यार देते रहिए आप और सुनते रहिए. लेट्स टेक इट टू हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस. ऐसे अगर आप थोड़ा हमें ऐसे लाइव भी सुना दोगे थोड़ी देर में तो हमें और अच्छा लगने वाला है. वो मैं आपको बोलूंगी. बट उससे पहले अनदर थिंग जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सिंस रिक्रिएशंस बहुत ज्यादा चल रहे हैं गानों के अभी अभी में, आपने भी सुने होंगे, आपने शायद कुछ गाने गाए भी हैं, और वो गाने जो आपको एक टाइम पे बहुत पसंद आया करते थे, अगर अभी मौका मिले कि यार इसका रिक्रिएट हो वर्जन तो वो मैं गाऊं, व्हिच विल बी दैट सॉन्ग? वो एक्चुअली अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि समथिंग इज इन द मेकिंग. और रिक्रिएशंस के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि यू नो आप सब लोग वो पसंद करते हैं तभी उस तरीके के गाने रिक्रिएट किए जाते हैं. सबसे पहले तो जो आइकॉनिक गाने होते हैं उन्हीं को रिक्रिएट किया जाता है. और रिक्रिएशन इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो बहुत ही अच्छे तरीके से करना जरूरी है बिकॉज वी आर डीलिंग विद द आइकॉनिक सॉन्ग जो ऑलरेडी इतने ज्यादा खूबसूरत गाने होते हैं. तो या मैं खुद काफी रिक्रिएशंस का हिस्सा बनी हूँ बट आने वाले टाइम में मैं काफी फ्रेश कॉम्पोजिशंस पे काम कर रही हूँ. बट हाँ ऐसा एक गाना है जो आप सुनेंगे बहुत जल्द. बहुत जल्द सुनेंगे. वो आप चाहती भी थी कि ये गाना अगर बने तो मैं ही करूँ. बिल्कुल बिल्कुल. राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड का मेरा सॉन्ग है वो और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग. So before we move further, can I ask for a few lines of Naam aapki awaaz mein, matlab ekdam acoustic raw hum sun pa? Definitely. Please. I'm gonna sing that for all my listeners and viewers of My FM. Yeah. Bhool gaye wo bin kyun re jaane, kyun wo shaam bhi bhool gaye. पहले तो भूले मुझको सनम तुम फिर मेरा नाम भी भूल गए. चिकज भी नहीं याद तेनू आ जा बीमार दे मैनू मेरा की दस दे कसूर क्यों होया मेरे कोलो दूर. I can go on but I want all of y'all to go and listen to the song and watch the video also. Yeah. And I'm sure my FM play करेंगे गाना तो आप वहाँ पे पूरा गाना सुनिए. और इस गाने के अंदर ना जो प्यार की एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है उसको ऑब्वियसली अलग तरीके से डिफाइन किया गया है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं बट आपको उनको कैसे क्रॉस करके और प्यार के एक डेफिनेशन, मतलब ऐसा कुछ है गाने के अंदर जो आप पर्सनली रिलेट कर पाए या वो चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट? एक्चुअली पूरे गाने का जो विजन कहीं ना कहीं माइंड में था कि बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है लव बट इट इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल. Yet again, it's complex, but it's also very simple. आपका way of looking है. और ये गाना जो है, it's all about unconditional love. And as a person, I can say that I totally believe in unconditional love because for me, अगर मैं किसी एक इंसान से अगर attach हो जाती हूँ, चाहे वो कोई भी relationship हो, तो मेरे लिए बहुत आसान नहीं होता उससे move on कर जाना. So I think I believe in sticking to relationships, and this song is all about love. It's all about unconditional love, and it's about being there for each other in the times of need. क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि you know बहुत ways अलग हो गए हैं. People just have options. They just want to move on out of the situation and they want to you know jump to the next thing. I mean if we can give some value and importance to the relationships, I think the world can be a much better place.
and I'm not trying to preach anything. No, but that's what I believe in. It's a fact also. And ये emotion जब तक रहेगा तब तक ही वो प्यार वैसा mixed feelings वाला emotion रहेगा. The complexity और simplicity उसके अंदर हमेशा नजर आएगा. Simplicity altogether, right? Right. So if ये जो singles का दौर वापस से आया है digital platforms की वजह से, so you think कि जितने भी aspiring artists हैं इनके लिए एक बहुत बूम वाली सिचुएशन है कि इफ दे यू नो प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर टैलेंट इन द राइट वे राइट डायरेक्शन दे कैन सक्सीड या जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहते हैं पहुंच सकते हैं. Absolutely, and I think कि बहुत सारे आर्टिस्ट को ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स मिले हैं और अभी डिजिटली इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं एंड यू कैन मेक कम आउट विद अ सॉन्ग एंड काइंड ऑफ अगर वो गाना ऑडियंसेस को पसंद आ जाता है तो इट डजंट मैटर कि उसके वीडियो में कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है या नहीं. इट्स जस्ट द इंडिपेंडेंट ऑडियो जो लोग आजकल सुनना बहुत पसंद कर रहे हैं. एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑल द radio channels, all the TV channels that have started supporting independent artists and independent music. And आपने अगर हम जैसे आपको सुनते हैं और भी बहुत से आर्टिस्ट को सुनते हैं आप फ्री टाइम में जैसे लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम था जब आप ऑब्वियसली रियाज भी करती होंगी नए प्रोजेक्ट्स पे कुछ काम भी कर रही होंगी आप किसे सुन रही होती थी? मैं हर तरीके का म्यूजिक सुन रही हूँ स्पेशली इस लॉकडाउन में जितने गाने रिलीज हुए जितने भी आर्टिस्ट के मैं सब कुछ सुन रही हूँ सारे वीडियोस देख रही हूँ. ज्यादा करके तो इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स ही रिलीज हुए बिकॉज फिल्म्स तो कोई रिलीज हो नहीं रही. सो वेदर इट्स एनीथिंग दैट्स रिलीजिंग आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू वॉच एवरीथिंग. सो आई एम लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कमिंग आउट अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स दैट द पंजाब इंडस्ट्री इज डूइंग बिकॉज वहां के आर्टिस्ट ऑल्सो दे कम आउट विद अ सिंगल ऑलमोस्ट एवरी हर हफ्ते में दो तीन गाने तो रिलीज हो ही जाते हैं. So I'm listening to everything. ये मैंने पूछा नहीं आपका लॉकडाउन कैसा रहा? How was the experience? Lockdown has been, you know, I'm talking all positive. I'm looking at the positive side. I've got to spend a lot of time at home, जो कि मैं पहले नहीं कर पा रही थी. I was hopping between Mumbai and traveling for my gigs. So I'm spending a lot of time with my family. I've also come way closer to my music. I think I'm getting to spend a lot of time with my songs, the newer songs that I'm working on. We shot and we made the song Tere Naal, my collaboration with Darshan. It was made during the lockdown. We shot the entire music video at home. So, uski puri planning, shoot, release, sab kuch us dauran hua. So, lockdown mere liye, I think that would kaafi productive raha hai. Aur aane wale time ke liye bhi main kaafi songs pe work kar rahi hu. So, तेरे नाल को भी बहुत बहुत प्यार मिला ड्यूरिंग द लॉकडाउन और अभी भी इनफैक्ट लोग सुनते हैं और काफी गाने को पसंद करते हैं. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस कि क्या कभी आपने इमेजिन किया था कि इस तरह से घर पे ही गाना बन जाएगा रिलीज हो जाएगा और सुपर हिट हो जाएगा. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? सोचा नहीं था कि हम करेंगे क्योंकि me and Darshan we met somewhere in February and we started talking of a collaboration. तो कुछ कुछ चीजें वहाँ से develop हुई. फिर March में हम लोग फिर से मिले. गाने का hook develop हुआ and then everything was on a standstill क्योंकि lockdown हो गया. Then April में we restarted you know our talks over the phone because मैं Delhi में थी और वो Bombay में थे. So वहाँ से फिर शुरुआत हुई. Then we decided okay why not we shoot the video at home and try and release it during lockdown. तो वो भी हो गया. पहले तो सोचे थे उसको lyrical की तरह बनाएंगे वो करते करते full fledged music video बन गया. But बहुत प्यार मिला है इस song को and people have really appreciated me and Darshan coming together, our voices together. So yeah, that was a very very good experience also. And आपके जितने भी गाने हैं obviously उनको बहुत प्यार मिलता आया है और versatility की तो आपकी बात आप हाँ ऑब्वियसली. एंड जो वर्सिटैलिटी आपकी वॉइस में है आपके गानों में है वो बहुत इजीली इतना हम नहीं देख पाते कि आप एक तरफ सैया सुपरस्टार में भी हैं और दूसरी तरफ आप आशिकी 2 के सॉन्ग्स में भी हैं. कबीर सिंह के जो गाने थे आपके वो भी मतलब बहुत प्यार ऑडियंसेस से बटोर रहे थे अभी भी बटोर रहे हैं. इफ आई टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर सॉन्ग मेरे पापा ऐसा मैंने गाने को सुन के पता नहीं क्यों फील किया कि उसको लेके कुछ इमोशंस अलग ही आते हैं आवाज में कुछ अलग ही बात होती है. सो इफ यू कैन सिंग अ फ्यू लाइंस एंड टेल द स्टोरी कि क्या खास है उस गाने में आपके हिसाब से.
मेरी जमीन आसमां मेरे पापा, मैं हूँ जहाँ है वहाँ मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा. Beautiful, beautiful. Actually, ये song, it's a dedication. Song नहीं है, ये एक emotion ही है, ये dedication है मेरे पापा के लिए. मेरी तरफ से, मेरे भैया, मेरी sister, हम तीनों की तरफ से एक dedication है. जब T-Series label ने तकरीबन 30 years finish किए थे, तो तब एक tribute show हुआ था मेरे पापा के नाम पर, और वहाँ पे मैंने as a singer, सेकेंड बट फर्स्ट एज अ डॉटर, मैंने ये गाना अपने पापा के लिए परफॉर्म किया था. और वहाँ बहुत सारे सिंगर्स थे 90s से लेकर अब तक के, जिन्होंने अपना ट्रिब्यूट दिया था मेरे पापा श्री गुलशन कुमार जी को. तो ये गाना तब बना था, जीत दा ने इसे बनाया था, और मनोज मुंतशिर जी ने इसके लिरिक्स लिखे थे, और मैं उनके साथ बैठी थी और मैंने उन्हें अपनी सारी फीलिंग्स बताई थी. और एक बहुत जेनेरिक वे में हमने गाना बनाया था कि हर बच्चा अपने फादर को ये गाना डेडिकेट कर सके. तो मेरे लिए बहुत ही एक स्पेशल एक्सपीरियंस था. और पूरा गाना गाते वक्त मैं बहुत इमोशनल थी, और जब मेरे को परफॉर्म भी करना था स्टेज पे, तो मुझे पता है मैंने कैसे परफॉर्म किया, क्योंकि दिस सॉन्ग इज एक्चुअली माई फीलिंग्स फॉर माई फादर. एंड जितने भी लोग ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि मैंने बहुत एक कम उम्र में अपने अपने फादर को खो दिया था. तो आई थिंक ये पूरा जो एक इमोशन और सेंटिमेंट अटैच्ड है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्पेशल. मेरे पापा, इनफैक्ट जितने लोगों ने सुना भी है, सब यही कहते हैं कि हम इमोशनल हो जाते हैं, हालांकि वो एक इमोशनल गाना नहीं है. It's a generic apne. But there is a connection when we listen to the song. Yeah, I think what connection. You feel as an artist when you're delivering something, a song or something, to wo definitely jaake audiences se connect karta hai. So wherever sir is, abhi obviously aapko dekhte honge is tarah ke gaano ko un tak pahunchti hogi dhun, awaaz, sab kuch. He'll be really proud and happy to see you like this. So thank successful you. Hitting the chart busters with every song. And okay, coming back to Naam, aapka jo gana hai Naam, iske andar aapne bahut acche se khud ko portray kiya hai, story mein aap poore mein hai, awaaz aapki hai. Kya kabhi aapne aisa socha hai ki gana kisi aur ka hi ho, awaaz kisi aur ki hi ho, aur aap is screen pe ho? After this song, I can ask you this. After this song, yeah. So basically, question twist करके पूछ रहे हैं कि क्या आप acting करेंगी कभी? एकदम सही पकड़े हैं. नहीं, actually मैं अपनी voice के साथ ही I think connect कर सकती हूँ. तो max to max मैं अपने music videos में ही आपको दिखाई दूंगी, और वो जरूर दिखाई दूंगी, क्योंकि I don't think एक music video में कोई भी artist आपकी voice को और आपकी feelings को उतना justify कर सकता है, especially एक independent song में. Obviously फिल्म में तो हम एक एक्ट्रेस के लिए प्लेबैक करते हैं और हम उनके कैरेक्टर में जाते हैं, पर इंडिपेंडेंट म्यूजिक की यही बात है कि यू कैन शोकेस योर ओन कैरेक्टर टू योर फैंस, एंड व्हाट यू हैव, यू नो, व्हाट डू यू फील एंड हाउ यू कैन इमोट समथिंग. सो आई मेक टोटल फ्रीडम होती है. सो यू डेफिनेटली सी मी लिप सिंकिंग ओनली टू माई ओन सॉन्ग. बाकी के लिए आई थिंक एक्ट्रेसेस हैं, दे आर वेरी गिफ्टेड, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस आउट देयर हु आर डूइंग देयर जॉब फैंटास्टिकली वेल. तो मैं बहुत खुश हूँ अपने सिंगिंग फील्ड में, और आपको अपने म्यूजिक वीडियोस में तो दिखाई और दिखाई देती रहेंगी. राइट. ऑल्सो आपके सोशल मीडिया हैंडल पे भी हम आपको देख सकते हैं, बिकॉज़ यू आर प्रीटी एक्टिव देयर एज वेल. बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती रहती हैं. वेरी एक्टिव, लॉकडाउन में ज्यादा एक्टिव. राइट राइट. सो वन लास्ट क्वेश्चन, अभी तीन ऑप्शंस अगर कभी सिचुएशन ऐसी बने कि आपके पास है, वन इज अ प्लेबैक सॉन्ग, वन इज अ सिंगल सॉन्ग जो कि आप खुद बनाने वाली हैं, थर्ड इज अ लाइव ऑडियंस परफॉर्मेंस, तो आपकी पहली प्रेफरेंस क्या होगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? अरे यार देखो, सबसे पहली प्रेफरेंस मुझे लाइव ऑन स्टेज परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है, बट वो मैं नहीं कर सकती अगर मैं फिल्म के गाने और इंडिपेंडेंट गाने नहीं करती तो. बट अभी तक मैंने बॉलीवुड के बहुत सॉन्ग्स किए हैं,
इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज समथिंग दैट आई हैव जस्ट स्टार्टेड फुल फ्लेजिडली. इससे पहले भी मैंने काफी सॉन्ग्स किए, जैसे कि आपने बताया मेरे पापा, मैनु इश्क ता लग्या रो, एक याद पुरानी है, पर उसमें मैं एज अ सिंगर फीचर कर रही थी, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाते हो आप ऑडियंसेस से. बट नाउ आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज समथिंग दैट्स रियली इंटरेस्ट. It's very, very interesting for me because I can be involved at every step, right? From the start of the song till the song comes out, you know, jab music video banta and it gets released. आपने जो बहुत स्मार्टली आंसर दिया है गाने के साथ इस आंसर को भी 10/10 है. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड थैंक यू. बहुत बहुत सारी गुड विशेस. गाना ऑलरेडी बहुत हिट चल रहा है और मतलब रिकॉर्ड्स तोड़े ऐसा हम कहेंगे. Thank you so much. Thank you and all my listeners, all my viewers of My FM. A huge shout out from me, Tulsi Kumar.